गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं, एक तरीके से हमने रिवाइज़ किया था, चूँकि फर्स्ट लेक्चर था ऑनलाइन वीडियोज़ का। तो आई थॉट कि स्टार्ट रिविजन से ही करते हैं, प्रीवियस चैप्टर के रिविजन से ही करते हैं, ताकि एक कैचअप कर लो। अगर कुछ दिनों का गैप हुआ है, वो गैप थोड़ा सा मेनटेन हो पाए, ठीक है। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी के बिना पूरी दुनिया चल ही नहीं सकती। तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते पूरी दुनिया एनर्जी के बिना चले। दुनिया की छोड़ दो, हम इंसान एनर्जी के बिना नहीं चल सकते। हम जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो चलना हुआ, बोलना हो, सोचना हो, सांस लेना हो, कुछ भी, जितने भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हर चीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी एक फॉर्म है एनर्जी का। और सोचो, इलेक्ट्रिसिटी के बिना जितने भी हाई एंड डिवाइसेस आजकल बन रहे हैं, इतना हाई फाई से डिवाइसेस बन रहे हैं, तुम इमेजिन क्या कर सकते हो उनको बिना इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ तक कि आज के टाइम में पहले गाड़ियाँ जो चलती थी उसको तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब धीरे धीरे जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है, जो कि अभी धीरे धीरे ट्रेंड इसका पकड़ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, कि इसके बिना हम लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। तुम्हारे पास फ़ोन है, फ़ोन को भी चार्ज करना पड़ता है, चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी की किसी भी किसी न किसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हमें पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस अगर इसका देखें तो हर जगह पे है। आज के टाइम में, पहले के टाइम में जो ट्रेनें होती थी, वो ट्रेनें लोकोमोटिव्स कहलाती, वो ट्रेनें जो हैं कोयले की इंजन से चलती थी, ठीक है। उसमें कोयला वगैरह डाला जाता था, और कोयले से, कोयले के भाप से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता था उससे चलता था। आज के टाइम में बाद में जो है डीजल डीजल से भी चलने वाली ट्रेनें आई, उसके बाद में अब देखो ट्रेनें जो आ रही हैं, ट्रेनें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी देख लो, किसी भी अपने घर में देख लो, इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन करके देखो। यहाँ यही नहीं, आज के टाइम में वो जो गैस चूल्हा वगैरह आता है, उसका भी एक ऑल्टरनेटिव आया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो है इंडक्शन चूल्हा। इंडक्शन चूल्हा हो गया, फिर माइक्रोवेव ओवन्स हो गए। खाने के मामले की बात कर लें, खाना बनाना पकाना, इन सब में भी इलेक्ट्रिसिटी घुस गए। हम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं। आज के टाइम में लोग बुक्स की जगह पे, तुम ही अभी ये जो पढ़ाई कर रहे हो ये फ़ोन की स्क्रीन पे कर रहे हो, फ़ोन की स्क्रीन पे की जगह पे और भी कई तरह के स्क्रीन्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए लोग यूज़ करते हैं। एक आईपॉड जो होता है, आईपैड जो होता है, वो बहुत लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सकें उस पर, क्योंकि थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, उसका जो स्क्रीन साइज़ होता है बड़ा सा होता है, और बुक वाली फीलिंग थोड़ी सी देता है। आज के टाइम में लोग जो वो बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे, स्टोरी वाली बुक्स, वो भी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, या फिर जैसे मैंने बताया आईपैड के स्क्रीन पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी से कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। आज के टाइम में जो घरों में सिक्योरिटी वगैरह लगा हुआ है, दरवाजे में सिक्योरिटी लगा हुआ है, तो उसमें भी जो है बिजली चाहिए, ठीक है। तो बिजली के बिना हम आज के टाइम में लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। बिजली के बिना अगर लाइफ हो गया तो समझ लो बिल्कुल आज से 1000-2000 साल पीछे वापस से चले जाएंगे। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कहीं पे भी कोई बड़े शहर में अगर कुछ देर के लिए बिजली चली जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अमेरिका में भी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि जो कहीं पे एक बार किसी एक हैकर ग्रुप ने जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको हैक कर लिया था, उसके सिस्टम को हैक कर लिया था। तो कुछ देर के लिए उन्होंने बिजली को फ्लो करने या कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन था उसको रोक दिया था किसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हमें यह आइडिया लगता है कि बिजली कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बिजली बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और बिजली काम कैसे करता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सर्किट्स क्या होते हैं? वही
जो करंट को फ्लो करने के लिए जो डायरेक्शन चाहिए होता है, जो भी पाथ चाहिए होता है, उसी पाथ को हम सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इन सब चीज़ों को हम बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हम पढ़ेंगे इत्मीनान से। रूल क्या है? रूल ये है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपके सामने बुक भी खुली हुई होनी चाहिए, आपके सामने पेन एंड कॉपी भी होनी चाहिए, और कुछ भी ऐसी बात आपको लगता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने ऐसा बोल दिया, जो कि फ्लो फ्लो में बोल दिया लेकिन वो इम्पॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है, तो उसको भी नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले कह रहा है, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम अपने टास्क को ज़्यादा ईजी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। मतलब अगर तुम बात करो, पहले के टाइम में लोग जो कुआं होता था, कुएं में से पानी निकाल निकाल के जो है जगह जगह पे पहुंचाते थे। आज के टाइम में क्या हो गया, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में मोटर है, मोटर को जैसे ही ऑन किया अपने आप से पानी वो बाहर निकालने लगता है। पानी की जो टंकी है वो कुछ देर में भर जाती है, जबकि पानी की टंकी की हाइट ज़मीन से कितनी ज़्यादा ऊपर है। अगर कन्वेंशनल मेथड होता तो वहाँ तक पानी पहुँचाने में, एक एक बाल्टी भर भर के पहुँचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो कुल मिला के ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, कई सारे एग्जाम्पल हैं जिससे ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। वॉट आर द अदर पर्पज फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। ठीक है, लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। तो इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। तुम डोरबेल के बारे में बात कर लो, पहले लोग दरवाज़ा खटखटाते थे, किसी ने सुन लिया तो ठीक, नहीं सुना तो और तेज़ आवाज़ लगानी पड़ती थी, ये हो गया। उसके अलावा पहले जैसे मैंने खाना बनाने के बारे में बात किया, पहले आज के टाइम में भी लोग गैस चूल्हा ही यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गैस चूल्हे की जगह पे इलेक्ट्रिक ओवन है, फिर उसके बाद माइक्रोवेव ओवन है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक वाला वो जो चूल्हा आता है, इंडक्शन चूल्हा आता है, वो भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स तुम देख सकते हो। मैं खुद जो है आज के टाइम में ब्लोअर यूज़ करता हूँ रूम के अंदर। पहले क्या होता था, कन्वेंशनल मेथड में क्या होता था कि लोग आग जलाते थे, लकड़ी वगैरह डालते थे, आग जलाते थे और उसको सेकते थे। अब क्या है, रूम में आराम से बैठे बैठे वही सेम टेम्परेचर राइज महसूस कर पा रहे हैं, वो गर्मी महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में तुम बात कर सकते हो, जिसको डिस्कस कर सकते हो। और एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस तरह के 5 चीज़ें तुम लिख सकते हो लिस्ट में, जिससे ये पता चलता हो कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ को ईजियर बनाता है। ठीक है, डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? यस, हमारे घर को उजाला करने के लिए आज के टाइम में लाइट यूज़ होता है। पहले ज़माने में क्या होता था, लोग दिया जलाते थे, लैम्प जलाते थे, जो डिपेंड किस पे करता था, केरोसिन ऑयल पे या किसी कोई और इस तरह का अगर फ्लूइड हो जो कि जलने के काम में आता हो, वो यूज़ करते थे। और उसका लाइट बहुत मध्यम होता था, बहुत ज़्यादा दूर तक वो रोशनी नहीं करता था। ठीक है, तो ये बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम हुआ करते थे। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। तो दिन के टाइम में उजला रहता है, रात के टाइम में जो है लोग दिया वगैरह जलाते थे, या फिर दूसरा वो मिट्टी के तेल वाला बहुत सारे तरह के दिया विया होते थे, उस तरह की चीज़ जलाते थे। तो वो उसकी जो लाइट होती थी वो सफिशिएंट इनफ नहीं होती थी, उसे लगता था कि हाँ किसी एक कोने, जहाँ पे वो रखा जाएगा उसी कोने को ही बस वो उजाला कर पाएगा। ठीक है, तो लाइट ने जो है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला रोल प्ले किया है, हर जगह पे हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट लाइट का सोर्स बन के। ठीक है, लाइट हमारे घरों को अंधेरा होने के बावजूद उजाला करके। ठीक है, अच्छा इससे एक फ़ायदा और हो गया कि रात के टाइम में जब उजाला रहेगा तो चोरी डकैती वगैरह होने के चांसेस कम होंगे। तो पहले ज़माने में चोरी डकैती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्यों, रात के अंधेरे में चीज़ें दिखती नहीं थी, लोगों के पास में लाइट वाइट का बहुत अच्छा सोर्स नहीं होता था। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनेगी या फिर यहाँ पे
यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वो पावर स्टेशन से होके आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि पावर स्टेशन, ये वर्ड याद रखना है। कई जगह पे आसपास में तुम देखते भी होगे उसको पावर स्टेशन बोलते हो तुम लोग, या लोकल लैंग्वेज जो भी बोलते हो, लेकिन उसको पावर स्टेशन बोलते हैं जहाँ पे ढेर सारे ट्रांसफार्मर लगा होता है और ढेर सारे छोटे छोटे से टाइप के टावर टाइप का लगा हुआ होता है। और बोलते हैं कि यहाँ ये हमारा फीडर है, तो जिसको फीडर तुम बोल रहे हो वही पावर स्टेशन कहलाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है, हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। क्यों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। तो प्रॉब्लम क्या है कि बिजली कहीं भी बन रही है वहाँ से सब स्टेशन पहुँचेगा, ठीक है। पावर स्टेशन से सब स्टेशन पहुँचेगा, सब स्टेशन से जाके तुम्हारे घरों में पहुँचाया जाता है छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स के थ्रू। अब मान लो तुम्हारे घर के आसपास में कहीं कोई सब स्टेशन है ही नहीं, तो घरों तक लाइट कैसे आ पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं या ऐसा बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ तक बिजली अभी तक हो सकता हो ना पहुँची हो। ऑल्दो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि अब हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अगर पहुंच गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब इससे पता चल सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इलेक्ट्रिसिटी का ये एक ड्रॉबैक है कि हर जगह पहुँचा पाना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। हम तो प्लेन्स पर रहते हैं, हम बिल्कुल प्लेन्स ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है, ठीक है। लेकिन पहाड़ों पर जो है इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना हो सकता हो कई बार मुश्किल हो, या ऐसे जगह जहाँ पे जो कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है बिजली का, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो, इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो, और ऊपर से उनको चूँकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पैसा खर्च कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बदले में उनको तो पैसा चाहिए ना। अगर पैसा उतना पूरा का पूरा नहीं मिल पा रहा है तो शायद उनको शट डाउन करना पड़ जाए। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से हर जगह पे हो सकता है कि बिजली अवेलेबल ना हो। और हमारे यहाँ पे तो ये भी प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ पे तो 24 घंटे बिजली अवेलेबल नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजली बन रही है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर सफिशिएंट होती तो हमें 24 घंटा बिजली मिल रहा होता, ठीक है। फिर कह रहा है, इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज़ समटाइम्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। वेयर इज़ द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो क्या हुआ, टॉर्च का बल्ब कैसे चल रहा है, यहाँ पे भी बिजली जा रही है, लेकिन वो जो बिजली प्रोड्यूस जहाँ पे हो रहा है वो इतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जिससे एक बल्ब जल सके। पूरे घर का लाइट अगर चलाना हो तो इस सोर्स से हम उसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।